नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय होम। बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे हो कि होम टूर करवाओ, होम टूर करवाओ। सो आज मैं ले आई हूँ फाइनली होम टूर। स्टार्ट करते हैं यहीं से। ये है हमारा हॉल जहाँ पे हम कुछ भी नहीं करते सिवाय सामान रखने के। जो भी कोरियर आता है सबसे पहले ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ मिनी व्लॉग में, उसके बाद मैं रख देती हूँ यहाँ पे जो फिटिंग के लिए नहीं होता। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे शूज वगैरह रखे हुए हैं और बहुत ही प्यारा मेरा टेडी भी रखा हुआ है यहाँ पे। एक यहाँ पे माता का दरबार है, देख सकते हो कि कितना सुंदर है। तो अभी चलते हैं हम किचन की साइड। ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी मोटी सी किचन जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ। अभी तो मैं बहुत कम बना पा रही हूँ, 3 टाइम में से 2 टाइम मुश्किल से बनता है। रात का तो मेरे को 2 बज जाते हैं किचन में से निकलते निकलते। हमारा लगा हुआ आरओ और यहाँ मैं वो रखती हूँ बर्तन जो गीले होते हैं, रात को ज्यादातर मैं रख के सोती हूँ ताकि पानी जो होता है यहाँ इसमें इकट्ठा हो जाता है। फिर इसको निकाल के 3-4 दिन में ही साफ करती हूँ क्योंकि बिल्कुल मिनिमम सा पानी आता है। और साथ में रखा हुआ है मैंने मिनी प्लांट, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। ये बीज है इसके या फिर क्या है, ये जैसे ऐसे निकल रहा है बंद है और ये फिर ये खुल जाएगा, ऐसे होगा। मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया था, इसका एक पत्ता निकाल के बाहर गमले में लगा दिया था, सोचा कि एलोवेरा की तरह भी ऐसे ही उग जाएगा, लेकिन खेलोगी मैं। इसके आगे हम चलते हैं रूम में। ये क्लिप मैंने पहले बनाई है पूरा रेडी होने से पहले, क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं ये क्लिप बनाऊंगी अंधेरा हो जाएगा। और ये रूम मैं इसलिए दिखा रही हूँ पहले और बालकनी, क्योंकि इस रूम में लाइट नहीं है और बाहर बालकनी आपको दिखेगी नहीं अगर मैं रात में बनाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो मैं लेके जाती हूँ इस वाले रूम में और हमारी बालकनी में। इसमें है 2 अलमीरा, पूरे मेरी कपड़ों से भरी पड़ी है। आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में भी, जो मिनी व्लॉग डालती हूँ उसमें मैंने दिखाया होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ड्रेस नई नई बाय करती हूँ, मेरे पास ज्यादातर ड्रेस आती है प्रमोशन में और वो मैं उनका मेंशन करती हूँ कमेंट बॉक्स में या फिर आपका जो डिस्क्रिप्शन रहता है। तो ये मत सोचना कि मैं इतना खर्चा करती हूँ, मुझे खर्चा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे पास जो इनमें ड्रेस है ना वो कम से कम भी 11 साल 12 साल 6 साल 7 साल इतनी पुरानी पुराने दुपट्टे और कमीज वो रखे हुए हैं जिनको मैं दोबारा काट पीट के कुछ डिजाइन कर करके पहनती रहती हूँ। आप इंस्टाग्राम पे भी देखते होंगे, नीचे मैंने वही स्कर्ट पहन रखी है, ऊपर ब्लाउज पहन लिया, फिर उस पर कमीज पहन लिया, उसके ऊपर फिर कोई दुपट्टा लेके कर लिया। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। तो प्लीज ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत खर्चा करती हूँ, ऐसी नहीं हूँ मैं। हमने पूरा खाली रखा हुआ है क्योंकि ये रूम सोमिल का है, इसमें ये बुक वगैरह अभी तो इसने 10th क्लास जैसे तैसे पास कर ली, अभी 11th में होगा तब देखेंगे। और ये है हमारी मिनी डोरा यानी कि मेरी ऑटोमेटिक मशीन, इसमें ही मैं कपड़े धोती हूँ। सारा जो भी सामान नया लिया है सारा सब कुछ, घर से हम कुछ भी नहीं लेके आए हैं। ये है हमारी छोटी सी बालकनी और गाइस आज मेरे साथ बहुत बड़ा पंगा हुआ है। मेरे को पता था कि मेरे को बड़ा व्लॉग बनाना है, उसके लिए मैं साफ सफाई कर रही थी। साफ सफाई करते टाइम जिसमें मैं कपड़े डालती हूँ ना गंदे वाले, वो मैं ना यहाँ झाड़ रही थी। झाड़ते टाइम हमारे नीचे वाली जो और उससे नीचे वाला यानी कि 10th फ्लोर पे बालकनी में पड़ा हुआ है, इतने गंदे आवाज करके गया था मैं, फूल अंदर भाग के चले गई। ये मेरा फेवरेट है, ये भी मेरा फेवरेट है ये भी, और इसमें आते हैं येलो फूल। और बाकी रही बात व्यू की, तो आप दे सकते हो, ये मेरी बैठने की जगह है। उनके सामने है बिल्कुल वॉशरूम जो कि सोमिल यूज करता है, मेरे वाला सेपरेट है, अंदर ही मिल जाएगा आपको रूम के। ये है मेरा बहुत ही औसम सा रूम जिसके लिए आप लोगों की बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी कि दिखाओ दिखाओ। अभी देख लो आप लोगों ने क्या देखना था इसके अंदर। अलमीरा देखी होगी सभी में, मैं यूज करती हूँ मिनी ब्लॉग में, सबने देखा होगा जिसके अंदर मेरे कपड़े ठूस ठूस के भर रखे हैं मैंने। ऊपर वाले जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, सारे के सारे मेरे कपड़ों से भरे पड़े हैं गाइस। नाइट वियर इस अलमीरा में रहते हैं, रील के लिए मेरे इसमें रहते हैं, जो मेरे गाउन या फ्रॉक मैरिज में या पार्टी में पहने होते हैं वो मेरे ऊपर वाले में होते हैं, सर्दियों के मेरे उस रूम में रखे हुए हैं। आपको पता भी स्कर्ट वगैरह जो है टॉप निकाल के लाना होता है तो मैं उसमें से निकाल के लाती हूँ। रियल अंजुमर पे आप लोगों ने देखा होगा, इसमें ही मैं वीडियो बनाती हूँ। मिरर के बिल्कुल साइड में मैं ऐसी चीजें रखती हूँ जिनको मैं बहुत कम यूज करती हूँ। कहते मैं ये जयपुर से लेके आई थी, उसने ना मेरे साथ बहुत मतलब गलत किया। अगर आप व्लॉग देख रहे हो ना भैया, ये बहुत गलत बात है, आपने एक तो मेरा साइज छोटा दे दिया और एक इतना बड़ा दे दिया। मैं कब 10 साल बाद मेरे आएगा जाके वो, जब मैं बिल्कुल मोटी हो जाऊंगी। ये वाला टेबल है मैं बहुत कम यूज करती हूँ, इस पे ज्यादातर फोन चार्जिंग पे लगाना हो, मैकबुक रखी। और ये है हमारा इंस्टाग्राम वाला पिलो, मैंने बिल्कुल सामने रखा हुआ है इसको, जब भी देखती हूँ कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ हासिल किया है, कुछ ना कुछ क्यों, बहुत कुछ हासिल किया है। आप लोगों का जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है, आप लोग कंटिन्यू मेरा व्लॉग अभी तक देख रहे हो, तो मैंने बहुत कुछ हासिल किया है और अभी तो बहुत कुछ हासिल करना भी है। ये है मेरा वॉशरूम, वॉशरूम का क्या ही दिखाना है, छोड़ो यार, ऐसे सबका होता है वैसा ही है। इसके अंदर भी मैं दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत चीजें रखी हुई हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह से आई है। आपने वो वाला रूम देखा है, बालकनी देखी है, ये वाला रूम भी देख लिया, और अब मैं दिखा रही हूँ इसकी बालकनी जो कि मैंने पहले ही बना ली थी क्योंकि मुझे पता था वही
अंधेरा हो जाएगा। बालकनी में जाने से पहले मैं सैंडल उतार देती हूँ क्योंकि ये बालकनी स्पेशली महादेव जी की है। कोई भी हमारे घर में गेस्ट आता है या हम लोग, मैं किसी को भी विदाउट यहाँ पे चप्पल निकाले बिना नहीं जाने देती। चलो पहले मिलो महादेव जी। ये है मेरे प्यारे से छोटू से महादेव जी, जिनको मैं डेली दूध चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। हमारी तुलसी माता है। ये है हमारी रात की रानी, इसमें रात को फूल आते हैं। अभी छोटे छोटे आ भी रखे होंगे, ये वाले जो आप दिख रहे हैं ना, ये वाले ये खिलेंगे अभी। इसमें महादेव के लिए फूल चढ़ते हैं। और ये वाले बहुत बड़े बड़े फूल है, आपके साइड में आ भी रहा होगा, मैंने पहले फोटो ली हुई है। उनको ना मिट्टी में डाल देते हैं फूलों को, और फिर जब ये प्योद बन जाती है तो इनको अलग अलग उखाड़ के लगा दो, सेम वही फूल आ जाएंगे। ये वाले कलर के हैं, और ये वाले कलर के। घर में सबसे बेस्ट जो मुझे जगह लगती है छोटी वाली बालकनी, मतलब कि महादेव वाली बालकनी। बहुत शांति है यहाँ पे। जब भी मेरे को थोड़ा सा भी उदास या मैं सैड हूँ या मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं है, तो मैं यहाँ पे आके महादेव से बातें करती हूँ बहुत ज्यादा। सोसाइटी भी दिखाती हूँ, चलो एक बार। जो बोला था ना मैंने कपड़े डालने वाला, कहाँ पड़ा हुआ आपको ब्लैक ब्लैक जो पड़ा हुआ। एक और चीज बताऊँ मेरे रूम की जो मेरे को बेस्ट लगती है, ये वाली लाइट। रात को जैसे 1-2 बज जाता है ना, तो मैं ये वाली लाइट यूज नहीं करती हूँ। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बचती है, और दूसरा ना इससे अलग ही वाइब आती है। दोनों लाइट से बहुत छोटी छोटी और बिल्कुल ना रेनबो टाइप बन जाता है। जब मैं इसकी साइड देखती हूँ ना, साइड में बहुत अच्छे अच्छे वो बने हुए हैं, और ये ना अलग ही खिल जाता है, जैसे बिल्कुल रियल लग रहा है ना, है ना रियल। सो यही था हमारा आज का व्लॉग। लुक वगैरह स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट की थी, ताकि मैं बिल्कुल एक सभ्य लड़की की तरह पूरा होम टूर करवाऊं, और जो कि मैंने करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे प्लीज सजेशन दो कि मैं किस टॉपिक पे लेके आऊं। आप लोग मतलब सब कुछ अलग अलग बोलते हो, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। अभी थोड़ा सा एकजुट हो जाओ, एक्का करो, और नीचे कमेंट में जो जो भी आपके क्वेश्चन है दोबारा से मैं Q&A करूं, या मैं डेली कंटिन्यू व्लॉग बनाऊं घर वाले या कुछ भी, मैं कहां जा रही हूं कहां नहीं, या वो वीडियो लेके आऊं जो लोग आपकी बहुत डिमांड करते हो कि रील कहां शूट करते हो, रील कौन शूट करता है। और ज्यादातर तो मेरी ये होता है कि आपकी शादी होगी, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड का नाम क्या है, आप किसके साथ रहते हो, आप फैमिली के साथ रहते हो, क्यों नहीं रहते हो, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे लेके आऊं मैं वीडियो। तो मुझे सब कुछ बताओ यार, आप लोगों को क्या जानना है, फिर मैं भी जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊं। ठीक है, मैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पे मुझे रिस्पॉन्स चाहिए गाइस। बाय बाय।